हालांकि मेरे पास पैरालंपिक के बहुत ही प्रसिद्ध और हाल ही में उन्होंने देश का मान आगे बढ़ाया, एक पदक स्वर्ण पदक प्राप्त करके वो बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी पैरालंपिक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन सत्संगति कहते हैं, कभी उन्हें उन्नति का मूल कारण कहा, इसलिए आपकी संगति में, सत्संगति में बैठा हूं, इसलिए मैं यहीं से बोल रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर रश्मि और उनकी संस्था को बहुत बधाई दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा। ये आज की स्मरणीय अविस्मरणीय शाम उन्होंने हम सबके साथ, इतने लोगों के साथ और इन देश के मान को बढ़ाने वाले महानुभावों के साथ बिताने का मौका दिया है। मुझे आज ये भी देखकर बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश में जो हमने पहला राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक का आयोजन किया था, इसको करीब करीब 23-24 साल हो गए, तो हमने इसे शुरू किया था। श्री वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय ये स्पोर्ट्स का विभाग भी HRD में ही आता था, ह्यूमन डेवलपमेंट में, और उसका भार भी मेरे पास था। उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था कि पैरालंपिक में का मतलब क्या है, क्या होता है, इसका कोई लाभ भी देश को हो सकता है या नहीं। बहुत से अखबार वालों ने हमसे पूछा था कि किस आयोजन से निकलेगा क्या। अब उस समय जो कुछ निकला वो तो 25 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन अब जो निकला है वो आपके सामने है। और उस समय भी हमने देखा कि ऐसे बालक, ऐसी बालिकाएं जिनको लगता था शुरू में कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने वहां के जब प्रतियोगिताओं में भाग लिया और ये देखा कि वो भी उसी प्रकार से सब प्रकार के खेलों में भाग ले सकते हैं, तो उन्हें एक अंदर से अभिमान पैदा हुआ। और उसके बाद जो दूसरी बात हमने की थी वो पैरालंपिक तथा जिन्हें स्वस्थ कहा जाता है, उन दोनों के बीच में भी प्रतियोगिता। और मैं समझता हूं कि ये प्रतियोगिता इसलिए नहीं कि पैरालंपिक में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जरूरी है जो ये समझते हैं और देखें कि उनसे बेहतर वो लोग कर सकते हैं जिनको वो समझते थे ये शायद नहीं कर सकते। और वो प्रतियोगिता है जो भी होगी, जिसमें पैरालंपिक और नॉन पैरालंपिक दोनों भाग लें। और मैं कहूंगा कि आप यहाँ ऐसा ओलंपिक का आयोजन करिए, चाहे भारत से ही शुरू करें, कि जिसमें पैरालंपिक और नॉन पैरालंपिक बराबर की टोन में हो, एक तरफ से कुश्ती में वो हो और दूसरी तरफ से कुश्ती में ये हो, तो फिर देख लिया जाए कि हम है कि वो है। तो कुछ इस आयोजन के द्वारा आप देश में एक नए प्रकार की मनोवृत्ति को पैदा कर सकेंगे। ये जो शब्द आजकल दिव्यांग का प्रयोग किया जा रहा है, इसका भी एक इतिहास है। पहले सामान्य तौर पर किसी को कहा जाता था डिसेबल है, अंधा है, किसी को कहा जाता था कि लंगड़ा है, बूढ़ा है, फिर बाद में ये स्पेशल एबिलिटी के लोग हैं, उनको एक तरह से ये बताने के लिए कि आप स्पेशल हैं, स्पेशल एबिलिटी के लोग हैं, मगर मतलब ये नहीं होता था, मतलब होता था कि आप कुछ इंफीरियर हैं। ये एक ऐसी धारणा थी कि जिससे हमारे इन पैरालंपिक महानुभावों का, लड़के लड़कियों का, खेलकूद के अंदर भाग लेने वाले ही नहीं
बल्कि उसके अलावा भी खेल कूद की दुनिया के बाहर भी रह के अपना जीवन अच्छी तरह से और बेहतरीन के साथ बिता सकते थे, उनको भी तकलीफ होती। जिस समय मैं यही एचआरडी का ही मिनिस्टर था तो चित्रकूट में एक स्वामी राम भद्राचार्य जी है, वो जन्म से उनको नेत्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस अवस्था में भी बहुत से ग्रंथों की रचना की और एक तो ऐसा ग्रंथ बनाया कि जिसको एक तरफ से पढ़िए तो रामायण है और दूसरी तरफ से पढ़िए तो गीता है। तो ऐसा एक विलक्षण व्यक्ति वो हमारी दृष्टि में आया तो हमने कुछ मित्रों से कहा कि ये तो एक ऐसा भगवान का कुछ विचित्र खेल दिखाई दे रहा है कि जो काम हम लोग नहीं कर सकते वो इन्होंने क्या, कोई इनको दृष्टि मिली, क्या बात हुई कि जो इन्होंने ऐसा किया। तो हम लोग उनको मिलने गए, उनसे बात की, मेरे साथ उस समय जो यूजीसी के चेयरमैन थे वो भी गए और जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के CSIR के डायरेक्टर जनरल थे वो भी गए। हमने कहा देखो इसमें क्या किया जा सकता है। तो वहां जब स्वामी जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कोई तो ऐसे आए कि जिन्होंने दिव्यांगों की भी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि जब कोई मुझसे कहता था कि मैं अंधा हूं या एक व्यक्ति इस प्रकार का है तो मुझे बड़ा क्षोभ होता था और मुझे लगता था कि हमारी क्या, इसमें हमारा क्या दोष है, ये तो प्रकृति ने जैसा हमको बनाया, हमने तो इसकी याचना नहीं की थी, लेकिन अगर प्रकृति ने हमें बनाया तो इसके लिए हमारी उपेक्षा क्यों की जाती है। तो उन्होंने कहा कि कई बार मैं समझता हूं कि ये जो बात कही जाती है कि आप डिसेबल हैं या स्पेशली एबल हैं, इसके लिए हमारे संस्कृत में एक शब्द है दिव्यांग, और वो भाषा शब्द तब से चला और मैं समझता हूं कि वो सही चला क्योंकि बाकी तो सामान्य अंग है लेकिन ये लोग दिव्यांग है, यानी इसका मतलब है इनको ईश्वर की प्रकृति की विशेष देन मिली है। दे आर स्पेशल, वी आर नॉट स्पेशल, बट यू आर स्पेशल। तब से ये बात चली और मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे आयोजन को यहाँ हम सब लोगों से के साथ मिलकर मनाने का जो उपक्रम वेर रिलीजन और उसकी अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि ने किया है ये स्तुत्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अवसर पर आपने बहुत देर तक और बहुत जीवन के अनेक अनुभवों का सार भी सुना और इन लोगों की यात्रा कैसे किसने कठिन और किन दौरों से गुजरते हुए है वो भी आपने सुना, इसलिए एक समय कोई बहुत लंबी वक्तृता देने का नहीं है, मगर मुझे अभी सुनते सुनते बात याद आई जब ये कहा गया कि अब आपने सारे तो प्राप्त कर लिए और एक गोल्ड मेडल और प्राप्त कर लो चौथा जो आएगा ओलंपिक और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। बात बहुत मजे की है, इनका ख्याल यह है कि पॉलिटिक्स में अभी तक कोई दिव्यांग नहीं है। वैसे तो यूएसए का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट वो ही व्हीलचेयर पर चलता था, मालूम है आपको? हाँ हम बताइए कि सब मालूम है। रूजवेल्ट वो व्हीलचेयर पर चलता था, तो इसलिए कोई वहां ऐसे ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं होते। फिर हमारी साइंस में जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहा है जिसका जो स्वयं व्हीलचेयर पर चलता था और जो हॉकिंस, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऐसी विधा है कि जिसने दुनिया के हर क्षेत्र में नाम कमाया और हॉकिंस। मगर जो बात उन्होंने कही उसको सुन के मुझे एक बात ही लगी कि इनका ख्याल शायद ये है कि वहां दिव्यांग नहीं है इसलिए ज्यादा लोगों को आना चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जिस पुराने तौर पर दिव्यांगों का नाम लिया जाता था उसकी बहुतायत हमारे यहाँ है, आपको जरूरत हो हमसे ले लीजिए। मेरे साथ जितने भी लोग हैं रहे हैं पॉलिटिक्स में और शायद आज भी बहुत से होंगे, वो एक तरह के दिव्यांग ही होते हैं। वो पता नहीं किस किस प्रकार की विधाओं से देश का अपकार या उपकार कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ कमी नहीं है जो कम गेम एनी नंबर ऑफ देम सर्विंग और नॉट सर्विंग द कंट्री जैसा आई मीन, इसको तो आप सोच रहे। लेकिन ये बात याद रखिए कि वो लोग जो इस तरह की हमारे इन पड़ोसियों की मेहनत से अपने किसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं, उसकी तुलना में हमारे यहाँ बिना मेहनत किए हुए ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो हर प्रकार के दिव्यांग हैं, लेकिन हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं इसका फैसला तो आप स्वयं जानकर कर सकते हैं, मगर ये बात याद रखने की है कि हमें आज इस बात को भी समझकर चलना है कि इस देश को ऐसे हिम्मती दृढ़ प्रतिज्ञ और लक्ष्य भेदी समाज की आवश्यकता है जो किसी एक लक्ष्य के लिए आगे चले। दूसरा ये कि कई बार ये समझा जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो ओलंपिक्स है, यही ये कोई नई चीज है और इसने दुनिया को कुछ दिखाया नहीं। हमारे देश में अगर आप कुछ अपनी पुरानी जो कथाएं हैं गाथाएं हैं उनको पढ़ते या सुनते होंगे, या कभी कभी टीवी सीरियल्स में भी उनकी कुछ कथाएं आ जाती हैं वो देख लेते होंगे, तो महाभारत के जो सभी महत्वपूर्ण किरदार थे उनमें अर्जुन बाण था, धनुर विद्या था, भीम मल्ल विद्या था, नकुल और सहदेव घोड़ा विज्ञान के, ये सब इसी किसी न किसी जिसको आज आप स्पोर्ट्स कहते हैं पर उस समय उनको केवल स्पोर्ट्स नहीं कहते थे, उनको विद्या कहते थे। ये विद्या थी हमारे देश, इसलिए इस विद्या की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो द्रौपदी का अपहरण धनुर्विद्या के कारण से हुआ। उसके पास अर्जुन के पास कोई पीएचडी नहीं थी या थी, इसलिए नहीं उसकी डॉक्टरेट की डिग्री देख करके या वो आईएएस में है या किसी और जगह है वो देख करके उसका स्वयंवर नहीं हुआ था, धनुर्विद्या से। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। दमयंती नल और दमयंती, नल घोड़े का जबरदस्त पार्टी था और उस विद्या में निष्णात था, घुड़सवारी से, धनुर्विद्या से, कुश्ती से, मलखंभ इसको कहते हैं। इन सब के लिए भी समाज में एक आदर था और वो एक महत्वपूर्ण विद्या समझी जाती थी। बचपन में कई बार हम लोगों को बताया जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये बहुत ही खराब धारणा थी जिसको बदल देना चाहिए। और मैं आज आप लोगों से बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स गेम्स ये अगर हमारी शिक्षा पद्धति का अंग नहीं रहेंगे तो देश वाकई में विकलांग हो जाएगा, दिव्यांग नहीं बनेगा। ये आवश्यक है, चाहे आप शहरों में रहते हो, चाहे आप कस्बों में रहते हो, चाहे आप गांवों में रहते हो। गांवों में शायद ज्यादा सुविधा होती है कई प्रकार के खेलों के लिए, शहरों में वो सुविधाएं कम है। लेकिन जिस तरह से भी हो, जो भी कॉलोनीज यहां बनाई जाए, जो फ्लैट्स भी बनाए जाए, उसमें ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि लोग खेलों से परिचित होते रहे और उसका लाभ उठाते रहे, अन्यथा
कुछ दिनों में मुझे ये शक है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग अपनी पीठ को सहलाने वाले और उसको सपोर्ट देते हुए चलने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए स्पोर्ट्स, खेलकूद, व्यायाम ये बहुत आवश्यक है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति इन क्षेत्रों से निकल करके आए हैं। कहा जाता है कि जो लड़ाइयां थी जिसमें नेपोलियन को हराया गया था, वो लड़ाइयों की बुनियाद इटली हेलो के खेल के मैदानों में थी। उन लोगों ने जो उस समय वहां खेल में निष्णात हुए आगे आए, उनमें से बहुत सारे लोग चलकर ब्रिटिश फौजों में गए और नेपोलियन को उन्होंने परास्त किया। खेल के मैदान, शारीरिक परिश्रम, ये उतना ही जरूरी है जितना मानसिक ज्ञान करना। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब आज मैंने देखा कि यहाँ बजरंगबली की, इसलिए नहीं कि यहाँ मंच पर बैठे हैं, परंतु हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हनुमान चालीसा में अगर आप उसे पूरा पढ़ेंगे तो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भी बताई गई है, उनका पुरुषार्थ भी बताया गया है, उनकी क्षमता शक्ति भी बताई गई है, उनकी भक्ति भी बताई गई है। ये एक अकेला हमारे देश का एक ऐसा स्तोत्र है कि जिसमें हर तरह से कैसा व्यक्ति होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रतिभाएं होनी चाहिए, उसका उल्लेख है। वो शारीरिक भी है, वो मानसिक भी है, वो आध्यात्मिक भी है। इसलिए बहुत अच्छा पाठ यहाँ हुआ, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और जिन्होंने उस पाठ को यहाँ हमारे सबके सामने बड़े स्वयं के साथ रखा, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और नियम के साथ, गंभीरता के साथ वो हमारे सामने रखा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय इस गंभीरता की और लक्ष्य वेद करने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। कई बार हम ये कह रहे हैं कि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, बनाना है, जरूर बनाना है, बनेगा, ये हमारा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम पहले बन चुके थे। मगर आज ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम विश्व गुरु थे तब हम क्या कर रहे थे दुनिया में? तब हमने दुनिया में सबसे बड़े दर्शन के ग्रंथ दिए, वेद दिए, उपनिषद दिए, इसके बाद हमने आयुर्वेद दिया जो दुनिया की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति थी, सुश्रुत दिया, चरक दिया, सुश्रुत वो ऑपरेशन करता था जो आज के लोगों को भी हैरत होती है कि वो कैसे कर सकता था। हमने टेक्नोलॉजी दी, एक तो उसका प्रमाण हमारे दिल्ली में ही है, दी वर्ल्ड आयरन पिलर, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा पिलर है, खंभा है, जो 1.5-2 हजार वर्षों से अपनी जगह पे खड़ा है बिना जमीन खाए हुए। मुझे उसके बाद दूसरा कोई पिलर दुनिया भर में न देखने को मिला, और मैं समझता हूं शायद आज भी कोई उसकी उसी तरह का दूसरा नहीं बना सकता। और जब बनाया गया था तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, जब ये बताइए तो मैंने कहा ये बताइए उतना फोर्ज करने वाला, फोर्जिंग इतने मीटर, 2 मीटर 3 मीटर ऊंचे और इतने मोटे पिलर को फोर्ज करने वाला कोई कारखाना दुनिया में था? यूरोप में तो तब स्टील क्या होता है उसका पता ही नहीं था, आयरन क्या होता है इसका पता ही नहीं था, कहीं दुनिया में इसका कोई उससे पहले का कोई प्रमाण नहीं, उसके बाद का भी कोई प्रमाण नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी हम दे रहे थे, स्वॉर्ड ऑफ डमास्कस, ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध थी इस बात के लिए कि उसकी जैसी तलवार, उसकी मजबूत और उसकी धार दुनिया में कहीं नहीं होती। उसका नाम जरूर था स्वॉर्ड ऑफ डमास्कस, और उसका स्टील जाता था हिंदुस्तान से। आज भी लोग आश्चर्य करते हैं कि वैसा स्टील नए कारखाने क्यों नहीं बना।
मैं दुनिया में सबसे बढ़िया कपड़े दिए, ये जो आप जानते हैं ना, पुरानी बात तो छोड़ दीजिए, कहा जाता है ये कैलिको है, ये कैलिको मिल है, बस है ये कालीकट का अपभ्रंश है, कालीकट के समुद्र के रास्ते से कालीकट पोर्ट से वो कपड़े जो हिंदुस्तान से बाहर जाते थे उनको यूरोप के लोग ये कहते थे ये कैलिकट कपड़ा है, तो कैलिका कट पूरा नहीं बोल सकते थे, अब कैलिको, आज तो हम अपने कंपनियों को कैलिको बोलते हैं, ये हम दे रहे थे। बाकी जो मैथमेटिक्स में दिया और साइंस में दिया, जो केमिस्ट्री में दिया, मैं आज उसकी पूरी स्तर पर विचार नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ दुनिया में उस समय तक बेस्ट था वो हमने दिया था। इकोनॉमी में हम दुनिया में सबसे आगे थे, सिर्फ दो देशों की इकोनॉमी दुनिया में थी, एक हमारी और एक चीन, सारी दुनिया में 23-24% इकोनॉमी हिंदुस्तान की थी और ऐसे ही 18-20% चाइना की थी। उससे पहले जब यह हिसाब किताब शुरू हुए तब तो पहले हिंदुस्तान ही की इकोनॉमी ज्यादा थी, और जब हम आजाद हुए तब हमारी क्या हालत थी और अब हमारी क्या हालत है, वेरा मीन। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है, जो हमें बनना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है। पहले हमारे पास यह आत्मसम्मान होना चाहिए, अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि ये हमें करना है, और इसलिए करना है कि पहले हम कर सकते। मैं एज ए साइंस मिनिस्टर हमेशा कहता था कि साइंटिस्ट का सबसे पहला मोटो होना चाहिए कि इंडिया विल नॉट कॉपी, हिंदुस्तान विज्ञान में दुनिया के देशों की कॉपी नहीं करेगा। अक्सर होता है था कि जो आईआईटी वाले लोग हैं, ये जब आईआईटी में प्रवेश हो जाता था तो उनका शरीर हिंदुस्तान में रहता था, अमेरिका आत्मा अमेरिका में चली जाती थी, और वो सोचते थे कि आत्मा से मिलन कितनी जल्दी हम करें अमेरिका। ये हालत बदलनी होगी, जब हम विश्व गुरु थे दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, मास्टर्स 20-30 हजार लोग उस समय हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारे। तो अब क्या हो गया, अब कहते हैं आपने वहां से डिग्री ली है कि नहीं, ये क्या हो गया, ये बदलना होगा, हमें ये कहना होगा कि नहीं हमारी डिग्रीज हमारी पढ़ाई सबसे बेहतर है। तो इसलिए मैं कहता था कि इंडिया विल नॉट कॉपी एंड इंडिया विल बी ओरिजिनल। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप ओरिजिनल, अगर आप ओरिजिनल नहीं है तो आप आगे तो पहले आप ये तय कीजिए कि आप नकल नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दुनिया से कुछ नहीं सीखेंगे, इसका यह मतलब नहीं है, मगर इसका मतलब यह है कि आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, अपनी ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी तरफ से हम दुनिया को क्या दे रहे हैं वो तो पेश कीजिए। फिर जो कुछ जरूरत होगा, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा ले लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और चीज कम है कहीं से थोड़ी सी ले लेंगे, मगर हम क्या दे, वो देने की ताकत हमें पैदा करनी है। बिना इसके आप अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पहले अपने को पहचानिए, फिर कहिए हम ये हैं, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट इंडिया वाज एंड दिस विल बी इंडिया, दिस विल बी इंडिया, and that India will be original, people will follow you, not you will follow. It's hard to find a man. As you know, my brethren have better than some. You know, they told me, sabit kiya, that they are ready to lead. People are ready to follow them. Aapke piche chalne ko log taiyar hai, aapke mat ke saath chalte rahiye. Jab tak aap apni kushti ka daav khud khelenge, tab tak aap jeet sakenge. जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में अपने दाम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनल कैसे होगा?
India had a long history of 5,000 years or more when we taught people how to govern. How to govern. Pustakas hai. Not even Kautilya Shastra, but even Mahabharata and Ramayana tell us how to govern. Principles of governance. हमें सोचना है कि हम क्या आगे चल करके देना चाहते हैं, वो तभी हम कर सकेंगे जब हम पहले ये समझ लें कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हम हैं क्या, ये समझना जरूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में इन सब महानुभावों को बुलाकर डॉक्टर मिश्री ने और उनकी संस्थाओं ने ये मौका दिया हमें ताकि हम फिर से ये समझ सकें और ये समझ सकें कि हमें कहा। आप बहुत से प्रयोग करते रहे जरा एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रयोग किए, बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं और जो करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं कि उसके लिए आप सारे सिस्टम को पुनः प्रयोग करें, बट विद इन दैट भी कर सकते हैं और वहां से आप मॉडल्स दे सकते हैं, वो दुनिया के लिए मॉडल्स होंगे। आज दुनिया परेशान है, कहां जाए, ये इतने सारे 5-7 सालों से मैं देख रहा हूं सारी दुनिया परेशान है, किधर जाए, कभी इकोनॉमी नहीं समझती, कभी क्लाइमेट नहीं समझता, कभी सोसाइटी नहीं समझती, कभी ये जो वॉर है बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वो नहीं समझती, अरे क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, इज इट अ वर्ल्ड, क्या है दुनिया, क्या है आलो खाना, मारपीट हो रही हो, सारी दुनिया में लड़ाई हो रही है। रोज अखबारों में मैं पढ़ता हूँ क्लाइमेट क्लाइमेट, आप करना क्या चाहते हो उसके लिए, क्यों हो रही है ये क्लाइमेट, कि ये सारी तबाहियां क्यों हो रही है। अभी दोपहर तक मैं सुन रहा था कि उत्तराखंड में तबाही हो रही है, पहले सुनते थे 2-3 दिन पहले की केरल में तबाही हो रही है, उसके पहले बंगाल में हुई, नॉर्थ ईस्ट में हुई, और तो और जहां कभी पानी नहीं होता था वहां पानी की बहुत है, थोड़ी राजस्थान में पानी बह रहा है।